फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने पिटबुल पपीज के एक वीडियो डाली थी जिसपे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ पिटबुल पपीज की, जिनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी क्वालिटी के पिटबुल पपीज परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाली है। और गाइज, मॉर्निंग में जो मैंने ब्लैक लैब्राडोर की वीडियो डाली थी उसमें मैं ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर डालना भूल गया था, तो आप में से जिसको भी उस टाइम वीडियो में नंबर नहीं मिला तो वीडियो को एक बार दोबारा चेकआउट जरूर करें। नंबर मैंने अपडेट कर दिया है और वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो फ्रेंड्स, पपीज की एज 55 डेज हो चुकी है और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हैं पपीज काफी हेल्दी और हैवी बोन है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि सभी पपीज काफी एक्टिव है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एक छोटे पपी को परचेज करने जाओ तो एक हेल्दी और एक्टिव पपी को ही परचेज करें। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर आप डिलीवरी को थोड़ा अवॉइड करें और डायरेक्ट विजिट करके पपीज को परचेज करें तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो पिटबुल को काफी अग्रेसिव डॉग ब्रीड मानते हैं, बट फिर भी ये मोस्टली लोगों की फेवरेट है क्योंकि ये डॉग ब्रीड बहुत ही पावरफुल और फियरलेस होती है। ये बिना किसी डर के किसी से भी भिड़ जाते हैं, इसमें चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। पिटबुल बिना किसी बात के किसी भी इंसान पर अटैक नहीं करते, पर हाँ, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अर्ली एज से इन्हें अच्छे से सोशलाइज करना होगा, ह्यूमंस के साथ भी और दूसरे एनिमल्स के साथ भी, क्योंकि सोशलाइजेशन हर एक डॉग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, इन पपीज की क्वालिटी तो आप लोगों ने देख ही ली है, अब मैं आप लोगों को इसकी मदर की क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इन पपीज की मदर है, क्वालिटी काफी अच्छी और क्रॉप क्लियर है। और अगर इसके कलर के बारे में बात करें तो काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और फ्रेंड्स, ये इस फीमेल के साथ इन पपीज के फादर हैं, तो दोनों ही एकदम प्योर क्वालिटी के डॉग्स हैं। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें कि इनकी क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी। और माय डियर फ्रेंड्स, जहां ये सच है कि पिटबुल एक अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, तो वहीं ये भी सच है कि अपनी फैमिली और ओनर के बहुत ही वफादार होते हैं और काफी फ्रेंडली भी। और वैसे ही फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिटबुल काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स के ऊपर बात तो करेंगे ही, क्योंकि अगर गार्ड डॉग भी सबके साथ फ्रेंडली होने लगे तो फिर इनमें और फैमिली डॉग्स में फर्क ही क्या रहेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग एक डॉग लवर हैं और मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन में प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइज, आज फर्स्टली बात करेंगे इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 13,000 रुपीज 13,000 रुपए, और फीमेल की है 11,000 रुपीज यानी 11,000 रुपए। और इन पपीज की लोकेशन के बारे में बात करें तो मैं काफी टाइम से इस लोकेशन के लिए वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा था, तो इनकी जो लोकेशन है वो है रायपुर छत्तीसगढ़, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम से डिमांड आई हुई थी कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई वीडियो लेके आओ। तो अगर आप में से कोई भी आसपास से बिलोंग करता है तो डायरेक्ट जाकर इन पपीज को परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली अगर इन पपीज की डिलीवरी के बारे में बात करें तो ओनर ने मुझे कहा है कि जहां तक पॉसिबल हो सकता है इनकी डिलीवरी हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इन पपीज का प्राइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे एक बार जरूर बताएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।